आज हम बात करेंगे टेरिडोस्पर्मोप्सिडा के मेंबर हेरेंजियम की। हेरेंजियम का अगर हम देखें क्लासिफिकेशन, तो हेरेंजियम डिवीजन साइकेडोफाइटा, वर्ग टेरिडो स्मर्बोप्सिडा, और इसका जो गण है वो है लाइजिनोप्टेरिडेलीज, कुल लाइजिनोप्टेरिडेसी, यानी इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। हेरेंजियम एक मेंबर है फैमिली लाइजिनोप्टेरिडेसी का। हेरेंजियम एक स्तंभ जीनस है, यानी स्टेम जीनस है। इसकी जो खोज है वो कोडा ने 1885 में स्कॉटलैंड के पेटिकर क्षेत्र में की गई। और जो ये फॉसिल है, यह इस क्षेत्र की निम्न कार्बनी कल्प लोअर कार्बनिफेरस पीरियड की चट्टानों से कंप्रेशन अथवा पेट्रीफेक्शन यानी संपीड़ाश्म या अश्मन के रूप में पाया गया। इस स्तंभ वंश की 12 जातियां हैं, जिनमें से हेरेंजियम ग्रीवियाई मुख्य रूप से है। हेरेंजियम ग्रीवियाई के स्तंभ प्राय ऊंचे थे, इनका व्यास 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक था। स्तंभ प्राय ऊर्ध्व बेलनाकार तथा शाखित हुआ करते थे। अगर अब हम देखें, अगर हम इनकी अब आंतरिक संरचना की बात करें, तो ये आपके सामने जो हेरेंजियम जो स्तंभ है, इसका अनुप्रस्थ कोशिकीय भाग दिखाया गया है, अनुप्रस्थ काट का कोशिकीय भाग दिखाया गया है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके अनुप्रस्थ काट में अनेक उभार व गर्त आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके अंदर कॉर्टेक्स बाहरी दृढ़ीकृत तथा आंतरिक पेरेनकाइमी क्षेत्र में विभेदित था, और जो दृढ़ीकृत क्षेत्र है उसके अंदर स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं की अनेक परतें पाई जाती थी। पेरेनकाइमी क्षेत्र में दृढ़ोत्तकी व पेरेनकाइमी कोशिकाएं नियमित एकांतर पट्टियों के रूप में व्यवस्थित थी। इसके अलावा स्तंभ के केंद्रीय भाग में एक ठोस रंभ प्रोटोस्टील, यानी ठोस रंभ वो होता है जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, लेकिन उसके अंदर मज्जा अनुपस्थित होती है, उसे हम ठोस रंभ कहते हैं। टेरिडोफाइट्स के जो लोअर जेनरा हैं उसके अंदर सभी में प्रोटोस्टील पाया जाता है। जो ये ठोस रंभ है वाइनिकाओं तथा पेरेनकाइमा कोशिकाओं से निर्मित था। ठोस रंभ के केंद्र की ओर स्थित वाइनिकाएं बड़ी थी तथा इनकी भित्तियों पर बहुपंक्तिक परिवेशित जो गर्त हैं उपस्थित थे। इसके विपरीत प्राथमिक जाइलम की वाहिनिकाएं अपेक्षाकृत संकीर्ण व छोटी तथा मिसचार्ज क्रम में व्यवस्थित थी। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइमरी वुड भी है, सेकेंडरी वुड भी है, फ्लोएम भी है, स्क्लेरोटिक सेल्स भी हैं, आउटर कॉर्टेक्स है, इनर कॉर्टेक्स है, लीफ ट्रेस है, पीटीओल का बताया गया है, रूट का बताया गया है, रूट ट्रेस भी है यहाँ पर, लीफ ट्रेस भी है यहाँ पर। प्राथमिक जाइलम के बाहर द्वितीयक जाइलम की एक पतली परत उपस्थित थी। इसकी मोटाई केवल कुछ एमएम तक थी। सेकेंडरी जाइलम में मज्जा किरणें उपस्थित थी। ये सभी किरणें
प्राथमिक जाइलम तक विस्तृत थी तथा इनमें से कुछ प्राथमिक वाहिनिकाओं के बीच स्थित पेरेनकाइमी उत्तक से मिली हुई थी। स्तंभ में अनेक लीफ ट्रेस उपस्थित थे। स्तंभ के जो वैस्कुलर सिलेंडर है या संवहन सिलेंडर के निकट स्थित पर्ण ट्रेसों के पूल जो थे वो कोलेटरल प्रकार के यानी बहिपोशवावी परंतु परिधीय पर्ण ट्रेस समकेंद्री प्रकार के थे। इस तरह से हेरेंजियम की जो संरचना है वो स्तंभ वंश के रूप में निरूपित करती है और फॉसिल जो जिम्नोस्पर्म के रूप के में हम हेरेंजियम जो वंश है उसको पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये डायग्राम पूरा दिखाया गया है, इसमें हर चीज़ बताई गई है और इस तरह से हेरेंजियम को एक फॉसिल जिम्नोस्पर्म माना गया है जो मेल खाता है टेरिडोफाइट्स के कुछ एक लक्षणों से, इसलिए इनको टेरिडोस्पर्मोप्सिडा नाम दिया गया था। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।